है सुनील साजन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में टीके को लेकर जनाक्रोश के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को वही फैसला करना पड़ा। समाजवादी पार्टी कह रही थी, समाजवादी लोग हमेशा से कहते रहे कि टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। हमने भी कहा था कि 2022 में सपा सरकार में आते ही मुफ्त टीकाकरण करेंगे। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश में टीकेकरण को लेकर के जनाक्रोश के बाद आखिर बीजेपी सरकार को वही फैसला करना पड़ा जो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को कहा कि देश में टीकाकरण मुफ्त सरकारों को कराना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कराती तो हम 2022 में जब आएंगे तो पूरे प्रदेश को मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। एक बात उन्होंने और फिर स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका लगवाएंगे।